स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एग्जाम में। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए पटवारी भर्ती परीक्षा से लेकर एक खबर जो कि दैनिक जागरण अखबार में छपी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाकर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। तो क्या अखबार में जो खबर छपी थी उसमें क्या है कि गड़बड़ी के आरोपों से मुकरे दो शिकायतकर्ता, अपने ही आरोपों से दो शिकायतकर्ता मुकर गए हैं। पटवारी भर्ती में कथित अनियमितताएं बरतने के मामले में नया मोड़ आ गया है। परीक्षा पर सवाल उठाने वाले दो शिकायतकर्ता सीबीआई जांच में गड़बड़ी व गंभीर आरोप लगाने से मुकर गए हैं। सूत्रों के अनुसार तीन शिकायतकर्ताओं में से दो ने गड़बड़ झाला होने से इनकार किया है। इससे केंद्रीय जांच एजेंसी हैरान है। इन शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। इन्होंने शपथ पत्रों पर भी गोलमाल जवाब दिया है। एफआईआर की बुनियाद रखने के बयान न देने के पीछे क्या वजह है इसकी पड़ताल की जा रही है। क्या कहीं कोई इन्हें प्रभावित तो नहीं कर रहा है या फिर इन्हें शपथ पत्र देने के लिए किसी ने उकसाया, इन सब पहलुओं की जाँच को जाँचा जा रहा है। अब इन्हें जाँच में दोबारा शामिल किया जाएगा जिसके लिए प्रयास हो गए इनके बयान के केस की दिशा बदल सकते हैं। तो ये खबर हमारे जो दैनिक जागरण में छपी थी आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी खबर ये छपी हुई है आपके दिमाग में, इससे रिलेटेड जो खबर से रिलेटेड शिकायतकर्ता मुकर गए हैं, कोई भी कमेंट हो, कोई भी विचार हो, आप कमेंट करके हमसे ज़रूर बताएं। हम सिर्फ उतना आपको बता रहे हैं जितना डेली जो पटवारी भर्ती से रिलेटेड अपडेट आ रही है। बाकी जो फैसला होगा वो सीबीआई जांच के पूर्ण होने पर ही पता चल पाएगा। धन्यवाद।